नमस्कार दोस्तों, नागराज वासुकी के कहने पर नाग कन्या जरदकारु अपने पुत्र को बुलाकर नागों को मिले शाप और उस पर ब्रह्मा जी के एवं वस्तु कहकर शाप के अनुमोदन की कथा सुनाती है। वासुकी नाग ने भी उस समय पितामह की ये बात सुनी थी। फिर अमृत मंथन का कार्य हो जाने पर वह देवताओं के शरण में गए। जरदकारु कहती है, देवता लोग मेरे भाई की सहायता से उत्तम अमृत पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर चुके थे, अतः वह मेरे भाई को आगे करके पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां समस्त देवताओं ने नागराज वासुकी के साथ रहकर पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उन्हें प्रसन्न करने का उपदेश यही था कि माता का वह शाप लागू ना हो। देवता बोले, भगवान, ये नागराज वासुकी अपने जाति भाइयों के लिए बहुत दुखी है। कौन सा ऐसा उपाय है जिससे माता का शाप इन लोगों पर लागू ना हो? ब्रह्मा जी ने कहा, जरदकारु मुनि, जरदकारु नाम वाली जिस पत्नी को ग्रहण करेंगे उसके गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण सर्पों की माता के शाप से मुक्त करेगा। देवताओं के समान तेजस्वी पुत्र ब्रह्मा जी की वह बात सुनकर नागश्रेष्ठ वासुकी ने मुझे तुम्हारे महात्मा पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। ये अवसर आने से बहुत पहले इसी निमित्त से मेरा विवाह किया गया था। इसके बाद उन महर्षि द्वारा मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। जन्म जय के सर्प यज्ञ का वह पूर्व निर्धारित काल आज उपस्थित है जिसमें निरंतर सर्प जल रहे हैं, अतः उस भय से तुम सबका उद्धार करो। मेरे भाइयों को उस भयंकर अग्नि से बचा लो। जिस उपदेश को लेकर तुम्हारे बुद्धिमान पिता की सेवा में मेरा विवाह हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उग्रेश्वरजी कहते हैं कि माता के ऐसा कहने पर आस्तिक ने उससे कहा, माँ, तुम्हारी जैसी आज्ञा है वैसा ही करूँगा। इसके बाद वे दुख से पीड़ित वासुकी को जीवन दान देते हुए से बोले, महान शक्तिशाली नागराज वासुके, मैं आपको माता के उस शाप से छुड़ा दूंगा, ये आपसे सत्य कहता हूँ। आप निश्चिंत रहे, आपके लिए कोई भय नहीं है। राजन, जैसा भी आपका कल्याण होगा मैं वैसा ही प्रयत्न करूँगा। मैंने कभी हंसी मजाक में भी झूठी बात नहीं कही है, फिर इस संकट के समय तो कह ही कैसे सकता हूँ। मामा जी सर्प यज्ञ के लिए दीक्षित नृपश्रेष्ठ जनमजय के पास जाकर अपनी मंगलमयी वाणी से आज उन्हें ऐसा संतुष्ट करूंगा जिससे राजा का ये यज्ञ बंद हो जाएगा। महाबुद्धिमान नागराज, मुझ में ये सब कुछ करने की योग्यता है, आप इस पर विश्वास रखें। आपके मन में मेरे प्रति जो आशा भरोसा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वासुकी बोले, आस्तिक, माता के शाप रूप ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा हृदय विदीर्ण होने लगा है और मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है। आस्तिक ने कहा, नागप्रवर, आपको मन में किसी प्रकार का संताप नहीं करना चाहिए। सर्प यज्ञ की दधकती हुई आग से जो भय आपको प्राप्त हुआ है मैं उसका नाश कर दूंगा। काल अग्नि के समान दाहक और अत्यंत भयंकर शाप का यहाँ मैं अवश्य नाश कर डालूंगा, अतः आप उससे किसी तरह भय ना करें। उग्रेश्वरजी कहते हैं कि उसके बाद आस्तिक नागराज वासुकी आदि को प्राण संकट से छुड़ाने के लिए राजा जनमजय के उस सर्प यज्ञ में गए जो समस्त उत्तम गुणों से संपन्न था। वहां पहुंचकर आस्तिक ने परम उत्तम यज्ञ मंडप देखा जो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी अनेक सदस्यों से भरा हुआ था। आस्तिक जब यज्ञ मंडप में प्रवेश करने लगे उस समय द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तब काम क्रोध आदि शत्रु को संतप्त करने वाले आस्तिक उसमें प्रवेश करने की इच्छा रखकर उस यज्ञ की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उस परम उत्तम यज्ञ मंडप के निकट पहुंचकर पुण्यवानों में श्रेष्ठ विपरवर आस्तिक ने अक्षय कीर्ति से सुशोभित यज्ञमान राजा जनमजय ऋतिवचो तथा अग्निदेव की स्तुति आरंभ की। आस्तिक ने कहा, भरत वंशियों में श्रेष्ठ जनमजय, चंद्रमा का जैसा यज्ञ हुआ था, वरुण ने जैसा यज्ञ किया था और प्रयाग में प्रजापति ब्रह्मा जी का जिस प्रकार समस्त सद्गुणों से संपन्न हुआ था उसी प्रकार तुम्हारा ये यज्ञ भी उत्तम गुणों से युक्त है, हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। इंद्र के यज्ञ की संख्या 100 बताई गई है, राजा पुरो के यज्ञ की संख्या भी उनके समान ही 100 है। उन सब के यज्ञ के तुल ही तुम्हारा ये यज्ञ शोभा पा रहा है, हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। इस प्रकार आस्तिक ने यमराज हरि मेघ राजा रत्नी देव महाराज गए राजा शश बिंदु तथा राजा दिराज कुबेर के यज्ञ का उदाहरण दिया जो उत्तम विधि विधान से संपन्न हुआ था। राजा नृक राजा अजमीर और महाराज दशरथ नंदन
श्री रामचंद्र ने जिस प्रकार यज्ञ किया था वैसा ही तुम्हारा ये यज्ञ भी है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। आस्तिक रीतिवच देप्यांग व्यास जी और उनके शिष्य के अनेकों गुणगान करते हैं। साथ ही में राजा जनमेजय को इंद्र और पूर्व राजाओं के समान प्रतापी, पराक्रमी, तेजस्वी और धर्मज्ञ बताते हैं। उग्रशवा जी कहते हैं कि आस्तिक के इस प्रकार स्तुति करने पर यजमान राजा जनमेजय, सदस्य, ऋतिवज और अग्निदेव सभी बड़े प्रसन्न हुए। ये सब सुनने के बाद राजा जनमेजय इस प्रकार बोले, ब्राह्मणों, ये बालक है तो भी वृद्ध पुरुषों के समान बात करता है, इसलिए मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ और इसको वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोग अच्छी तरह विचार करके अपनी सहमति दे। सदस्य बोले, ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी ये राजाओं के लिए सम्मानीय है, यदि वे विद्वान हो तो कहना ही क्या। अतः ये ब्राह्मण बालक आज आपसे यथोचित रीति से अपनी संपूर्ण कामनाओं को पाने योग्य है, किंतु वर देने से पहले तक्षक नाग हमारे पास शीघ्रता पूर्वक आ पहुंचे, वैसा उपाय करना चाहिए। उग्रशवा जी कहते हैं, शौनक, इसके बाद वर देने की इच्छा रखने वाले राजा जनमेजय, विपुरवर, आस्तिक से ये कहना ही चाहते थे कि तुम मुंह मांगा वर मांगो। जनमेजय ने कहा, ब्राह्मणों, जैसा भी ये कर्म पूरा हो जाए और जिस प्रकार भी तक्षक नाग शीघ्र यहाँ आ जाए, आप पूरी शक्ति लगाकर वैसा ही प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मेरा असली शत्रु तो वही है। ऋतिवज बोले, राजन, हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं तथा अग्निदेव जैसी बात बता रहे हैं उसके अनुसार तो तक्षक नाग भय से पीड़ित होकर इंद्र के भवन में छिपा हुआ है। तब राजा ने सूत जी से इसके बारे में पूछा। पूछने पर उन्होंने राजा से कहा, नरदेव, ब्राह्मण लोग जैसी बात कह रहे हैं वह ठीक वैसा ही है। इंद्र ने तक्षक को वर दिया है, नागराज, तुम मेरे यहाँ समीप रहकर सुरक्षित रहो, सर्प सत्र की आग तुम्हें नहीं जला सकेगी। ये सुनकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले यजमान राजा जनमेजय संतप्त हो उठे और कर्म के समय होता को इंद्र सहित तक्षक नाग का आकर्षण करने के लिए प्रेरित करने लगे। तब पुरोहितों ने एकाग्रचित होकर मंत्रों द्वारा इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया और उसके नाम की आहुति डाली। इस प्रकार आहुति दी जाने पर क्षण भर में इंद्र सहित तक्षक नाग आकाश में दिखाई दिया। उस समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस यज्ञ को देखकर इंद्र अत्यंत भयभीत हो उठे और तक्षक नाग को वही छोड़कर बड़ी घबराहट के साथ अपने भवन को ही चले गए। इंद्र के चले जाने पर नागराज तक्षक भय से मोहित होकर मंत्र शक्ति से खींचकर विवशतापूर्वक अग्नि की ज्वाला के समीप आने लगा। ऋतिवजों ने कहा, राजेंद्र, आपका ये यज्ञ कर्म विधि पूर्वक संपन्न हो रहा है, अब आप इन विपुरवर आस्तिक को मनोवांछित वर दे सकते हैं। जनमेजय ने कहा, ब्राह्मण बालक, तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है, मैं तुम जैसे विद्वान के लिए वर देना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट कामना है उसे बताओ, वह देने योग्य ना होगी तो भी मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा। ऋतिवज बोले, राजन, ये तक्षक नाग अब शीघ्र ही तुम्हारे वश में आ रहा है। वह बड़ी भयानक आवाज में चीत्कार कर रहा है, उसकी बारी चिल्लाहट अब सुनाई देने लगी है। निश्चय ही इंद्र ने उस नागराज तक्षक को त्याग दिया है, उसका विशाल शरीर मंत्र द्वारा आकृष्ट होकर स्वर्गलोक से नीचे गिर पड़ा है। वह आकाश में चक्कर काटता अपनी सुदबुद्ध खो चुका है और बड़े वेग से लंबी सांसें छोड़ता हुआ अग्निकुंड के समीप आ रहा है। उग्रशवा जी कहते हैं, शौनक, नागराज तक्षक अब कुछ ही क्षण में आग की ज्वाला में गिरने वाला था। उस समय आस्तिक ने ये सोचकर कि यही वर मांगने का अच्छा अवसर है, राजा को वर देने के लिए प्रेरित किया। आस्तिक ने कहा, जनमेजय, यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो सुनो, मैं मांगता हूँ कि तुम्हारा ये यज्ञ बंद हो जाए और इसमें अब कोई भी सर्प न गिरे। आस्तिक के ऐसा कहने पर परीक्षित कुमार जनमेजय खिंचित होकर बोले, विपुरवर, आप सोना, चांदी, गो तथा अन्य अभिष्ट वस्तुओं को जिन्हें आप ठीक समझते हैं मांग ले। प्रभु, वह मुँह मांगा वर मैं आपको दे सकता हूँ, किंतु मेरा ये यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। आस्तिक ने कहा, राजन, मैं तुमसे सोना, चांदी और गौवे नहीं मांगूंगा। मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारा ये यज्ञ बंद हो जाए, जिससे मेरी माता के कुल का कल्याण हो। उग्रशवा जी कहते हैं, भृगुनंदन शौनक, आस्तिक के ऐसा कहने पर उस समय वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा जनमेजय ने उनसे बार बार अनुरोध किया, विप्र शिरोमणि, आपका कल्याण हो, कोई दूसरा वर मांगिए। किंतु आस्तिक ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा। तब संपूर्ण वेद वेता सभासदों ने एक साथ संगठित होकर राजा से कहा, ब्राह्मण को वर मिलना ही चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें
और महाभारत कथा से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।